हेलो फ्रेंड्स, तो आपने नेजल पॉलिप के नाम के बारे में तो सुना ही होगा। नेजल पॉलिप एक प्रकार की बीमारी है जो कि हमारे नाक में होती है। इसे हम नाक की गांठ या फिर नाक की गठिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हमारे नाक पर नेजल पॉलिप होता है या फिर नाक के अंदर गांठ बननी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारी नाक पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाती है। कई बार ये हमारे नाक के एक ही हिस्से में होता है तो कई बार ये हमारे नाक के दोनों हिस्से में हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें काफी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर आप भी नेजल पॉलिप की समस्या से ग्रसित हैं तो आपको मेरी आज की ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी इस प्रॉब्लम को सही तरीके से दूर कर सकें। दोस्तों, वैसे तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको डॉक्टर से ही सही तरीके की दवा करानी चाहिए ताकि वे आपकी नाक की गठिया को सही रूप से ठीक कर सके। सबसे पहला घरेलू नुस्खा है लहसुन। लहसुन को अच्छे तरीके से कूट कर आप उसे सूंघ सकते हैं, क्योंकि लहसुन की स्मेल काफी ज्यादा तेज होती है। इसीलिए ये आपके नाक को खोलने के लिए और गठिया को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप टी ट्री ऑयल को गर्म पानी के अंदर डालकर उससे भाप ले सकती हैं। लंबी लंबी सांसें लीजिए। ऐसा करने से नाक की गांठ को हल्का होने में और उसे दबने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं। हल्दी के अंदर काफी ज्यादा एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो किसी भी प्रकार की गठिया को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा मददगार है। आप चाहें तो खारे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खारे पानी से अपनी नाक को वॉश करिए। ऐसा करने से आपकी गठिया काफी हद तक दब जाएगी। सो दोस्तों, ये है कुछ घरेलू उपाय, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आपको नेजल पॉलिप हो गया है तो आप सबसे पहले किसी अच्छे नाक के डॉक्टर से अपने आप को दिखाइए ताकि वो आपको बेहतर सजेशन दे सके। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।